एक कुशल नेतृत्व क्षमतावान आजाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था तथा माता का नाम राम दुलारी था। बचपन में इन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे और 18 माह की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता इन्हें लेकर के मायके चली गई। ननिहाल में ही इनकी माताजी और इनके मौसा के सहयोग से ही इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई। 1928 में इनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से कर दिया गया। इनकी शिक्षा हरिश्चंद्र विद्यालय एवं काशी विद्यापीठ से हुई। काशी विद्यापीठ से ही शास्त्री की उपाधि प्राप्त होते ही इन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटा दिया एवं शास्त्री नाम से ही मशहूर हुए। गरीबी के कारण नंगे पांव स्कूल जाया करते थे। इनके दो नारे थे, मरो नहीं मारो, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी गृह मंत्री एवं रेलवे परिवहन मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाए। लाठी चार्ज की जगह पानी की बौछार से भीड़ को हटाने की योजना शास्त्री जी की ही थी। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक कुशलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाए। गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन सभी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अन्न की कमी के कारण एक दिन के उपवास का आह्वान शास्त्री जी का ही था तथा देशवासियों ने इसका स्वागत किया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अघोषित वार थोपा। शास्त्री जी बड़ी ही सूझबूझ एवं बहादुरी से अपनी सेना को परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। सेना का मनोबल बुलंदी पर था एवं विजय प्राप्त हुई। शास्त्री जी द्वारा किया गया ताशकंद समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय था, किंतु इसी समझौते में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी स्वाभाविक मृत्यु थी या साजिश के तहत हत्या, यह राज आज तक राज ही है। इनके दो पुत्र दिवंगत हो चुके हैं तथा दो पुत्र अनिल शास्त्री एवं सुनील शास्त्री जी आज भी राजनीति में सेवा दे रहे हैं। उनका सादगी भरा जीवन पूरे देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। आज 2 अक्टूबर को हम सभी उन्हें सत सत नमन करते हैं। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को हटाने की जो मुहिम उनकी थी, जो उनके द्वारा कार्य किया गया, आज भी वो अनुकरणीय है, याद करने योग्य है। जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप लाइक एवं शेयर कर महापुरुषों को याद जरूर करें और देखते रहें स्टार न्यूज़ नेटवर्क। जय भारत।